हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बॉय की टू व्लॉग में। और अभी मैं आ चुका हूँ जो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव अभी जो चल रहा है वहाँ पे। और ये मेरे पीछे गेट देख सकते हो, बहुत ही कला मंडित गेट यहाँ पे बनाया गया है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े संत परमहंसों की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। और ये महोत्सव अभी चल रहा है जो आगना और भाड़ा सर्कल के बीच में ये एसपी रिंग रोड पे ये महोत्सव अभी महामहोत्सव चल रहा है। मेरे पीछे है मेन गेट और यहाँ पे है एसपी रिंग रोड। अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है अंदर आने का, अंदर कोई भी टिकट नहीं है, फ्री यहाँ पे सभी जगह पे आप घूम सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रेरणादायक दृश्य बनाए गए। ये रहा एसपी रिंग रोड और आगना जोड़ बाड़ा सर्कल के बीच में यहाँ पे महोत्सव चल रहा है अभी। ये रहा महोत्सव का मेन गेट। और ये महोत्सव के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो अहमदाबाद गीता मंदिर से बहुत सारी यहाँ पे BRTS MTS यहाँ पे बस रखी गई, कम ही भाड़ा में आपको यहाँ पे ले आती है। और अंदर भी बस को बनाया गया है, वापस भी जा सकते हो आप। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का नज़ारा है, बहुत ही कला मंडित गेट बनाया गया है। बहुत ही संत परमहंसों की यहाँ पे प्रतिमा लगाई है। सभी हम दिखाने वाले वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देख सकते हो प्रमुख महाराज का बड़ा सा हाथ बनाया गया है माला करते हुए। और ये देखो कुछ फूलों से सुशोभित किया गया है। यहाँ पे गेट पे देख सकते हो इस तरह की प्रतिमा लगाई गई है संत ज्ञानेश्वर जी की। और यहाँ पे आगे है स्वामी विवेकानंद की और अलग अलग मीराबाई जैसे बड़े बड़े महान संत की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई। संत प्रवेश द्वार का नाम दिया गया है। अंदर भी यहाँ पे और मीराबाई सभी की यहाँ पे भी प्रतिमा लगाई गई है। और इस तरह का कुछ नगर बनाया गया है इसके अंदर और सस्वे का जमीन के अंदर ये पूरा नगर बनाया गया है। प्रमुख स्वामी महाराज से तब भी महोत्सव भी धामधूम से चल रहा है। ठीक मुख्य प्रवेश द्वार के बाजू में ये यहाँ पे सभाखंड जो कि शाम 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे सभा चलती है और बड़े बड़े संतों के द्वारा यहाँ पे प्रवचन दिया जाता है। प्रमुख स्वामी महाराज के नगर के अंदर और बहुत सारी अलग अलग प्रतिमाएं रखी गई मेरे पीछे आप देख सकते हो। जैसे ये प्रतिमा आपका स्वागत करती है। यहाँ पे है मुख्य सभाखंड और यहाँ पे रोज 8 बजे महंत स्वामी यहाँ पे दर्शन देते हैं और अलग अलग संप्रदाय के वरिष्ठ संत भी यहाँ पे आकर सभा के अंदर कथावार्ता का लाभ। प्रमुख स्वामी नगर के अंदर हम आ चुके हैं सभाखंड देख लिया। और इससे आगे थोड़े ही आगे आओ तो यहाँ पे है प्रमुख स्वामी महाराज की 15 फुट पीठी का ऊपर 30 फुट बड़ी प्रतिमा यहाँ पे सुवर्ण प्रतिमा बनाई गई है। पीछे दर्शन कर सकते हो, हम अभी जाएंगे और दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे है आगे प्रमुख स्वामी महाराज की सुवर्ण प्रतिमा और बहुत सारी भीड़ अभी शाम होने वाली धीरे धीरे थोड़ा बच चुकी है। जैसे शाम होती है यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ होती है। तो चलिए अभी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। यहाँ पे भीड़ देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ का। चलिए अभी अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। और ये वर्तुड़ आकार के अंदर बाबा के जो दिन की जो गाथा पूरे दिन की जो जीवन दर्पण है वो क्या करते हैं उसकी गाथा प्रदर्शित की गई है। यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज की आप प्रतिमा देख सकते हो और ये वर्तुड़ आकार के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज के दिन की जो गाथा है उसको प्रदर्शित किए जाती है। और विशाल प्रमुख स्वामी महाराज की प्रतिमा के ठीक नीचे जो पीठिका है उसके चारों ओर यहाँ पे छोटी छोटी प्रतिमा लगाई गई है प्रमुख स्वामी महाराज की आप देख सकते हो।
तो हमने सुवर्ण प्रतिमा है जो प्रमुख स्वामी महाराज का उनका उसके दर्शन कर लिया। उसके पीछे ठीक आओ तो यहाँ पे अक्षरधाम बनाया गया दिल्ली के जैसा, यहाँ पे अक्षरधाम बनाया गया हिसार अक्षरधाम, दर्शन को उनका यहाँ पे अक्षरधाम बनाया गया है। और हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं अंदर अलग अलग भगवान के स्वरूप के दर्शन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पीछे अक्षरधाम देख सकते हो और यहाँ पे बीच में से छोटी सी प्रमुख स्वयं महाराज की प्रतिमा बनाई गई, दोनों साइड ग्लो गार्डन बनाया गया। रात के अंदर ग्लो गार्डन बहुत ही अच्छा जबरदस्त यहाँ पे लाइट ग्लो होती है। अक्षरधाम बनाया गया है उसके अंदर आप भगवान स्वामीनारायण के विविध स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। इसे अक्षरधाम पहले अक्षरधाम के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। चलिए अभी अक्षरधाम के दर्शन करते हैं। तो पीछे अक्षरधाम के अंदर दर्शन कर लिए और ये दोनों साइड देखो गार्डन देखो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल गार्डन बनाया गया है यहाँ पे और अच्छे से कुछ फ्लावर्स लगाए गए। यहाँ पे पीकॉक है, इस तरह का कुछ भगवान की प्रतिमा रखी गई है यहाँ पे, फूलों से सुशोभित किया गया है। और ये रहा अक्षरधाम, पब्लिक देखो बहुत ही ज़्यादा लोग अभी दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे दिन यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शन करने के लिए पब्लिक आती है। तो मंदिर के अंदर आप भगवान के अलग अलग स्वरूप के दर्शन कर सकते हो मेरे पीछे। यहाँ पे है राम और सीता और हनुमान जी का प्रतिमा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, दोनों साइड देखो बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी अंदर। अक्षरधाम देखते हो 67 फुट ऊंचा यहाँ पे अक्षरधाम बनाया गया है और ये ठीक इसके पीछे कुछ इस तरह की बाल नगरी बनाई गई। 70 एकड़ जमीन के अंदर ये बाल नगरी विकसित है और बालक तो बहुत अच्छे से इसके अंदर खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के चित्रों किरणादायक चित्रों के अंदर बनाए गए। तो चलिए अभी चलते हैं बाल नगरी देखने के लिए। और ये जो अक्षरधाम है वो फाइबर से बनाया हुआ है, POP और फाइबर से, जो जब ये महोत्सव खत्म हो जाएगा उसके बाद इस सभी को चीज़ों को वाइंड अप किया जाएगा। ये 700 एकड़ जमीन के अंदर जो भी चीज़ बनाई सभी को वाइंड अप की जाएगी। अक्षरधाम के ठीक पीछे आओ तो यहाँ पे जो अमेजन के जंगल में जो है बड़ा सा पंड लाया गया है उसके अंदर श्रीजी महाराज और प्रभु भाई महाराज की श्रीजी महाराज 25 किलो की प्रतिमा जो पंड के ऊपर रखी गई है और प्रभु भाई महाराज की 15 किलो की प्रतिमा रखी गई है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे शास्त्रों में श्रद्धा है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शास्त्र वेद उपनिषद महाभारत रामायण वचनामृत जैसे बड़े बड़े शास्त्र के बारे में वहाँ पे लिखा गया डिटेल के अंदर और उसके अंदर श्रद्धा के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अपना राष्ट्रीय चिन्ह देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैग है और इस तरह का कुछ बनाया गया है जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अनुरूप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रतिमाएँ बनाई गई, जैसे कि भारत के गणतंत्र के लिए जिन जिन्होंने अपना बलिदान और योगदान दिया उनके बारे में यहाँ पे सभी प्रतिमाएँ लिखी गई है। गुरु है यहाँ पे अपने जो बड़ा प्रधान है सभी की यहाँ पर प्रतिमा, जैसे कि रानी और प्रमुख स्वामी महाराज और स्वामी विवेकानंद सभी की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। सो गाइज आप मेरे पीछे बाल नगरी देख सकते हो, बहुत ही विशाल बाल नगरी 70 एकड़ की जमीन के अंदर फैलाई ली है बाल नगरी। बहुत सारी ज़्यादा लोग यहाँ और बच्चे ये बाल नगरी के अंदर सभी चीज़ों को देखने का बहुत ही आनंद लेते हैं। चलिए अब चलते हैं बाल नगरी के अंदर। और बाल नगरी के अंदर बहुत ही अलग अलग डोम्स बनाए गए, डोम्स के अंदर अलग अलग प्रेरणादायक जो प्रदर्शन वो दिखाए जाते हैं। तो अभी हम हैं बाल नगरी के अंदर और यहाँ पे पीछे जिराफ का बहुत ही बड़ा पुतला लगाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो जिराफ का स्टैचू बनाया गया, उसके ऊपर बालक बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा लोग बाल नगरी के अंदर घूमना पसंद करते हैं क्योंकि बाल नगरी जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, अलग अलग प्रदर्शनों के थ्रू यहाँ पे प्रेरणादायक दृश्य दिखाए जाते हैं और विशाल बाल नगरी है।
तो यहाँ पे मेरे पीछे जो प्रदर्शन देख सकते हो, जो विलेज ऑफ बुजो और उसके अंदर जो शांतिपुर बुजो नामक बालक होता है उसके बारे में यहाँ पे प्रदर्शन बताया जाता है। ये प्रदर्शन है विलेज द विलेज ऑफ बुजो, और देखने के लिए लंबी लाइन देखो, काफी ज्यादा लोग अंदर जाने भी जाते हैं और उसके बाद वेटिंग के अंदर बैठते हैं, उसके बाद अंदर विलेज ऑफ बुजो का जो प्रदर्शन वो देखने को ले जाते हैं। यहाँ पीछे देख सकते हो आप दूसरा प्रदर्शन है द सी ऑफ सुवर्ण, यहाँ पे आप देख सकते हो बाल नगरी के काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे एलिफेंट का स्टैचू बनाया है और ठीक उसके सामने है द सी ऑफ सुवर्ण, एक मछली की स्टोरी है इसके अंदर दिखाई जाती है ये प्रदर्शन के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हो जो प्रमुख है महाराज का बालकपन का जीवन था उसके यहाँ पे प्रदर्शन के थ्रू, यहाँ पे सभी अलग अलग प्रदर्शन के द्वारा सभी रखा जाता है और यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रदर्शन है उसका नाम है शांति का धाम चाणसद, जहाँ पे प्रमुख स्वामी का बालपन का जीवन के बारे में यहाँ पे प्रदर्शन के थ्रू समझाया जाता है कि उनका बालपन का जीवन कैसा था। और ये बाल नगरी का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज की प्रतिमा रखी गई है और भीड़ देखो काफ़ी सारी भीड़ है पब्लिक यहाँ पे बाल नगरी के अंदर, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूमने पसंद करते हैं। यहाँ पे बाल नगरी के अंदर ये चौथा डॉम है और डॉम का नाम है द जंगल ऑफ शेरू, कुछ जो टाइगर का बच्चा आता है उसके बारे में यहाँ पे स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा लोग ये वाला डॉम देखना पसंद करते हैं। सो गाइस आज पूरे दिन हमने अलग अलग सभी जगह को दिखाया आपको और अभी हम यहीं से जाएंगे अक्षरधाम। अभी नाइट का समय हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे और ग्लो गार्डन का नाइट का व्यू आपको दिखाएंगे। गाइज नाइट हो चुकी है और नाइट के समय में अभी हम आ चुके हैं ग्लो गार्डन। ग्लो गार्डन के अंदर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा देखने लायक है, जो भी यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग फ्लावर्स ग्लो करते हुए, इस तरह का कुछ ग्लो गार्डन है। तो चलिए अभी सभी ग्लो गार्डन के अंदर घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे हिरण का जो ग्लो वाला पुतला बनाया गया है, यहाँ पे कैमल और यहाँ पे है सुखदेव का घोंसला, जो कि खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामने है बंदर, यहाँ पे कैमल देखो आप, यहाँ पे देखो फीस के यहाँ पे बनाई गई है लाइट वाली जो वो गर्दी हुई है उसके अंदर है अक्षदेरी और पानी पर रखा गया है, कुछ इस तरह का नज़ारा है नाइट का। सामने है अक्षरधाम महाराणा प्रताप के यहाँ पे चेतक हॉर्स का प्रतीक यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे पक्षियों का जो बनाए गए हैं वो एकता का प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं। यहाँ पे जो भी अलग अलग इस सब चीज़ों को बनाया गया सभी को कुछ ना कुछ प्रेरणा देने लायक है, इन सब चीज़ों को बनाया गया है। सामने ही अक्षरधाम, कुछ इस तरह का नज़ारा है नाइट का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये ग्लो गार्डन का। नाइट के समय पे इसकी विजिट ज़रूर से करनी चाहिए। यहाँ पे बालू, यहाँ पे एलिफेंट देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत एलिफेंट है, उसके ऊपर प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान है। गाइस ग्लो गार्डन के अंदर भी हमने घूम लिया पूरा, अक्षरधाम के अंदर पूरा नगर की विजिट की, पूरे दिन यहाँ पे हम रुके। आई होप कि अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।